वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। अज तुहाडे नाल एक अजिही जानकारी सांझा करांगे जो तुहाडे ज्ञान दे विच बहुत ही वाधा करेगी ते कुछ अणसुनिया गल्लां तो पर्दा चकेगी। दरबार साहिब ते होए हमले दी प्लैन दे विच सब तो वड्डा हैरान कुल एक्शन इंग्लैंड दी प्राइम मिनिस्टर मालग्रेट थैचर दा सी। हालांकि इंदिरा गांधी दा ये एक्शन विरोधी सियासी पार्टी के खिलाफ सी ते उसते अपने मुल्क दा अंदरूनी मसला सी, पर मालग्रेट थैचर ने भारत तो हथियारां दा वड्डा आर्डर हासिल करन वास्ते एक मुल्क दे अंदरूनी मसले दे विच अपनी फौज दा दखल देन दा फैसला कर लिया। यह ना तो कौमांतरी असूलों मुताबक सही सी ते ना ही इंसानियत दे पक्ष तो सही सी। पर थैचर जो अपने आप नू आइडल लेडी अखवांदी सी उह एक बेअसूली ते जालम औरत दे नाल मिल के सारी कौमांतरी असूलों दे छिक्के टंग के हज़ारां लोकां दा कतलेआम करवाउण वास्ते तैयार हो गई। फिर मालग्रेट थैचर ने भी देर नहीं लाई अते इंदिरा गांधी की साजिश दे विच एकदम ही शामिल हो गई। चाहिजा तो यह सी कि वह खुफिया तौर पर पता कर दी कि एक तो इंदिरा गांधी का असल मंशा की है, कि यह हरकत कौमांतरी असूलों के उल्टा नहीं, कि इस दे पिछोकड़ विच कोई होर साजिश तो नहीं। पर इस दी बजाय मालग्रेट थैचर ने बिना किसी खोज पड़ताल तो दो चार दिनों के अंदर अंदर अपने दो सीनियर IAS ऑफिसर खुफिया तौर पर दिल्ली और अमृतसर के बीच भेज दिते। ये अफसर 17 फरवरी 1984 के दिन दरबार साहब एक यात्रु के तौर पर गए और सारा मौका इन्होंने वेख्या तो उत्थे रिहर्सल के वजो दरबार साहब से बेवजह गोलियां का मीह बराया गया। इस दे नाल अद्धी दर्जन यात्रु मारे गए, पर खड़कों ने एक भी गोली अपने अंदरों नहीं चलाई। दरअसल वह अपना समा जाया नहीं सी करना चाहते। अजिहा जापदा है कि एक्शन ब्रिटिश अफसर दियां हिदायतों मुताबिक ही किया गया सी, जो इसका दुआबे अमल रिएक्शन देखना चाहते सन। इस तो बाद उस अफसर ने एक प्लैन तैयार किया सी जिसनों इंदिरा गांधी ने मंजूरी दिती सी, यानी कि इस प्लैन विच मालग्रेट थैचर पूरी तरह शामिल सी। मालग्रेट थैचर दी इस कार्रवाई दा राज खोलदिया ही खुफिया चिट्ठियां 6 जनवरी 1984 ते 23 फरवरी 1984 दियां हन। सुनो, मालग्रेट थैचर लिखती है, सानू दिल्ली तो अर्ज आई है कि सानू इंदिरा गांधी दे नाल मतभेद रखने वाली सिखां नू दरबार साहब दे विचों कढ़न वास्ते सलाह दिती जावे। तो इस दे विच तां वेखण वाली गल तां इह है कि उन्हां नू दहशतगर्द जां वक्वादी भी नहीं कहा गया, सिर्फ सरकार दे नाल मतभेद रखण वाले जानी सरकार इंदिरा गांधी दे विरोधी कहा गया है। इस चिट्ठी मुताबिक थैचर ने साधन सैकटरी वजीर नू उस वजों भारत वल्लों मदद वास्ते बनाए प्लैन नू कबूल कर लिया है अते अपनी फौज एडवाइजर अफसर दिल्ली भेजण वास्ते कहा सी। इस चिट्ठी दी एक एक कॉपी डिफेंस मिनिस्ट्री दे रिचर्ड मोटरम अते कैबिनेट दफ्तर रिचर्ड हेल्थ फ्रीडर नू भी भेजी गई सी। दूजी चिट्ठी 23 फरवरी 1984 दी है, जो BJP फॉर प्राइवेट सेक्रेटरी टू फॉर्म मिनिस्टर जैफरी होवे वलो हू टेलर प्राइवेट सेक्रेटरी टू होम सेक्रेटरी लियोन ब्रिटेन नू लिखी गई है। इसका हैडिंग ही सिख कम्यूनिटी है। इस विच दस्या गया है कि दरबार साहिब ते एक्शन करन दे प्लान संबंधी इंग्लैंड दी सरकार दा एक IAS ऑफिसर प्राइम मिनिस्टर थैचर दी मंजूरी दे नाल भारत गया सी अते उसने एक प्लान तैयार किया सी जिसनू इंदिरा गांधी ने मंजूरी दिती सी। इस चिट्ठी तो साफ स्पष्ट है कि यह प्लान इंग्लैंड दे फौजी अफसर ने ही बनाई हुई सी। इस चिट्ठी विच फॉरन सेक्रेटरी होम लिखता है कि भारत सरकार उस बरतानवी अफसर दी प्लान दे जल्द ही एक्शन करेगी। तो उस चिट्ठी विच कहा गया सी कि इस एक्शन दरबार साहब ते हमले दा नतीजा कि पंजाब विच फिरकू फसाद भड़केगा, इसका असर इंग्लैंड विच रहिंदे भारतीय भाईचारे ते भी पवेगा, खास करके जी यह राज खुल गया कि इंग्लैंड दा SAS अफसर इस जानी कि इस दरबार साहब दे हमले विच शामिल सी।
चिट्ठी की एक कॉपी डिफेंस मिनिस्ट्री दे रॉबिन बटन नंबर 10 प्राइम मिनिस्टर दफ्तर रिचर्ड मोटरम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अते कैबिनेट दफ्तर दे रिचर्ड हेल्थ फीडर कैबिनेट अफसर नू भी भेजी गई सी। 13 अते 14 जनवरी 2014 दे विच एहो दो चिट्ठियां इंटरनेट राही सारे पासे वायरल हो गई सन ते दुनिया भर दे विच सारे पासे जबरदस्त तूफान उठ खड़ा होया सी। मगरों 4 फरवरी 2014 दे विच बरतानविया ने फॉरन सैकटरी विलियम हेग ने बरतानवी पार्लीमेंट दे विच मन्या कि बरतानविया ने सिर्फ सलाह दिती सी ते फौजी मदद ने ही दिती सी। 17 फरवरी 1984 दे मगरों भी भारत सरकार दे खुफिया महकमे दे दो सीनियर अफसर गैरी सक्सेना ते आर एन राओ कई बार लंडन आए अते इंग्लैंड दी खुफिया एजेंसियां ते फौज तो सलाह ते गवाही लेंदे रहे। फरवरी दे अखीर अते अप्रैल विच दरबार साहिब दो बार हमला करन दा प्रोग्राम बनाया पर दो बार इसनू ऐन मौके ते मुलतवी कर दिता जांदा रहा। अखीर 31 मई 1984 नू रात नू इंदिरा गांधी ने जनरल बैद्या नू हमला करन दे हुक्म जारी किते ते 1 जून नू तकरीबन 1 लख फौजा अमृतसर वल चल पईआं। सो वीडियो नू जरूर शेयर करियो, बहुत ही दिलचस्प जानकारी है ते बहुत ही ज्ञान दे विच वाधा करन वाली जानकारी है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। प्राइम मिनिस्टर दफ्तर रिचर्ड मोटरम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अते कैबिनेट दफ्तर दे रिचर्ड हेल्थ फीडर कैबिनेट अफसर नू भी भेजी गई सी। 13 अते 14 जनवरी 2014 दे विच एहो दो चिट्ठियां इंटरनेट राही सारे पासे वायरल हो गई सन ते दुनिया भर दे विच सारे पासे जबरदस्त तूफान उठ खड़ा होया सी। मगरों 4 फरवरी 2014 दे विच बरतानविया ने फॉरन सैकटरी विलियम हेग ने बरतानवी पार्लीमेंट दे विच मन्या कि बरतानविया ने सिर्फ सलाह दिती सी ते फौजी मदद ने ही दिती सी। 17 फरवरी 1984 दे मगरों भी भारत सरकार दे खुफिया महकमे दे दो सीनियर अफसर गैरी सक्सेना ते आर एन राओ कई बार लंडन आए अते इंग्लैंड दी खुफिया एजेंसियां ते फौज तो सलाह ते गवाही लेंदे रहे। फरवरी दे अखीर अते अप्रैल विच दरबार साहिब दो बार हमला करन दा प्रोग्राम बनाया पर दो बार इसनू ऐन मौके ते मुलतवी कर दिता जांदा रहा। अखीर 31 मई 1984 नू रात नू इंदिरा गांधी ने जनरल बैद्या नू हमला करन दे हुक्म जारी किते ते 1 जून नू तकरीबन 1 लख फौजा अमृतसर वल चल पईआं। सो वीडियो नू जरूर शेयर करियो, बहुत ही दिलचस्प जानकारी है ते बहुत ही ज्ञान दे विच वाधा करन वाली जानकारी है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।